किधर है वो बच्चा जो सिर्फ कंट्रोवर्सी करके इधर तक आया है? बहन शोध, अरे बच्चे, तू जब था ना भोसड़ी के फनाटिक में, तेरे बाप के साथ पास आया था तू, और बोला था बहन चोद मेरे को तेरे टीम में ले ले, टीम में ले ले गया था, मेरे गांड मार के देखिए सबने इधर, टीम में ले ले मेरे को। हाँ अरे बच्चे, क्या है ना, तेरे बाप बेटे यहाँ पे 4 साल से खेल रहे, मेहनत करके आए, ठीक है, मेहनत करके आए, ठीक है। जब हमको पता चला कि भाई हमारा रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, तब हम लोग बाहर हट गए। तुम बोलते हो इसके दम पे आया, उसके दम पे आया, अरे बच्चों तुमको कुछ पता नहीं है। ये भाई पहले क्या किया, जो एक अपना आइडल है, अभी भी आइडल है, उसको गाली दिया, ठीक है, बाद में उसकी चाटने चला गया, ठीक है, और फिर बाद में दूसरा आया, ठीक है, बाद में उसने इसकी चाटी, पहले एक ने लिए वॉचिंग, नंबर बढ़ाए। बेचारा जो एक था ना प्रशांत, बहुत अच्छा बंदा है, मतलब लेजेंड, ही इज अ लेजेंड, नो डाउट ही इज अ लेजेंड, उसके नंबर्स लिए, बाद में एक दूसरा शूटर आया, फिर वो शूटर ने इसके नंबर लिए, फिर इन लोगों ने टॉक्सिसिटी फैलाई। अरे लाइबिलिटी बन के बैठे हैं गेम में, इनको गेम का झाटा कुछ पता नहीं है, ठीक है, और इन लोगों को बजना है बस। भाई ओ 2019 और बैक, अरे 2019 और, अरे भाई मैं सिर्फ इधर नहीं बोलता, ठीक है, ऐसा बंदा है सबको पता है कम्युनिटी में, मैं सिर्फ इधर नहीं बोलता, सच बोलता, क्या बोलता है, मैं सच बोलता, और मैं अगर मेरी औकात पे आ जाऊंगा ना, अच्छे अच्छों की फाड़ दूंगा बहुत अच्छे से। हाँ बड़ा बच्चे हो तुम लोग, तुमको पता नहीं है तुम लोग जो चीजें कर रहे हो भाई, ये गलत है, बहुत बार समझाया मैंने, ट्रैश टॉक की बात करते, कल ही सिड दोषी ने स्क्रीन पे कहा था उसके कि हेल्दी ट्रैश टॉक रहता है ये सारी चीजें, हम लोगों ने डाला जब पीएसएम के टाइम पे, सिड हमारे इसमें था ऑर्गेनाइजेशन में, वो खुद ही बोला जब नई ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ज्वाइन करेंगे तो वो टाइम पे ऐसी वाली चीज करेंगे। यार मेरे को पता नहीं था अपने भाई लोग अभी लाइव आने वाले, नहीं तो मेरे को इंस्टा क्यों नहीं बन के रह जाना पड़ता, इंस्टा पे ही मेरे को स्टोरी डालनी पड़ती थी। कैसा है, हेल्दी वे में हम लोगों ने ट्रैश टॉक किया, ले लो ना इन आदमी लोगों ने, हम आदमी लोग जो पीएमसीओ में #13 आए, जो बंदे स्पैम भी कर रहे हैं, ठीक है, आए हम लोग #13, हम लोग गंदा भी खेले, हम लोग कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं। परफॉर्मिंग ऑन वर्ल्ड स्टेज इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। अरे बहन चोद, तुम्हारे टाइम पे जो टीम जीती थी ना, वो टीम टूर्नामेंट में क्वालिफाई भी नहीं की थी। ये भी तो देखो कंपटीशन कौन से लेवल पे गया है, तुम लोग इंडिया में क्वालिफाई नहीं हो रहे हो बहन चोद, तुम लोग बाहर जा रहे हो, तुमको फ्लाइट में बैठना है। अरे भाई मैं अगर बोलना चालू कर दूंगा ना, खत्म हो जाएंगे। एक भीख मांगा आया था मेरे टीम में, भाई मेरे को टीम में ले लो, घातक भाई भाई मेरे लग गए, मेरे को टीम में ले लो। मेरे पास अभी भी व्हाट्सएप का सारा चैट पड़ा है, अभी भी मेरे पास, कॉन्ट्रैक्ट लिख लो प्लीज। हाँ कॉन्ट्रैक्ट लिख लो, फराटी का कॉन्ट्रैक्ट भी मेरे पास पड़ा है अभी भी उसका। देखो क्या है ना, हम बोलते नहीं है, मैंने बहुत बार कहा है, बहुत बार, तुम लोगों को एक्चुअल फैक्ट पता ही नहीं है क्या चल रहा है कम्युनिटी में। अगर मैं किस दिन, मेरा दिमाग फट जाएगा ना, और मैं बोल दूंगा ना, ये आधे से ज्यादा जो बैठे हैं ना बच्चे, ये गायब हो जाएंगे, ठीक है। क्या है ना, छाती ठोक के बोलता हूँ भेंचोत, कभी जिंदगी में गलत काम नहीं किया, इधर कैमरा में देख के बोलता हूँ, कभी जिंदगी में गलत काम नहीं किया भेंचोत, कोई भी दिक्कत है, ठीक है। आज की टाइम में भेंचोत, ये लोग बोलते हैं ना पैसा पैसा पैसा, इतना कमाता हूँ उतना कमाता हूँ, अरे ये बंदों को 2-2 लाख रुपए की सैलरी छोड़ के बुलवाया, मैनिपुलेट, तुम लोग बोलते हो टीम चोर, ठीक है। टीम चोर किसको बोलते हैं मालूम है क्या, जो भाई मैनिपुलेट दूसरा बंदा करता है और उसको लेके जाता है, ये बंदे खुद से उनके मन से आए, ठीक है, सिंपल चीज है। तुम लोगों को चीजें समझ में नहीं आती है, तुम लोग बोला मत करो, ये जो छोटे बच्चे हैं हम लोग उनको इग्नोर कर रहे थे, बट इन लोगों ने खुद लाइव आके जो चीजें की है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल बिल्कुल भाई भी, अभी तुम लोगों को ठीक बताएंगे है। ना तुम लोगों को कितने से सैलरी कितने पे ला दिया तुम लोगों के बेंचो तुम्हारी दो कितने लाख की पे सैलरी 75,000 पे ला रहे हो, डील्स में से 50% काट परसेंट रहे आ हो, रहे हैं अरे भाई कॉमन सेंस की चीज होती है और वो भाई। भी खुद के जेब से नहीं हाँ दे रहे, खुद के हाँ जेब से नहीं दे सैलरी रहे सैलरी बोल रहे हो कि हम दे रहे हैं, अरे कौन दे रहा है सैलरी, कौन दे उसको रहा है सैलरी, पता है तुमको, तुमको पता है, ये लोग दिखावे की दुनिया करके रखी है भाई इधर, हम लोग, आपको भी पता है भाई सोशल मीडिया, हम लोगों ने हमारा अगर करना तो होता ना डेली स्ट्रीम करते थे यूट्यूब पे नंबर्स कमाने के लिए, और उनके उनसे बहुत ज्यादा अपने गौरल के फैंस, मुझे पता है भेंचोत कितना दम है उनमें। आज की डेट में जितने भी चैनल पे जाता हूँ, जिधर भी भेंचोत कुछ भी ये होता है ना, क्या बोलते उसको, वोटिंग होता है ना, वहां पे गॉड लाइक ही सबसे नंबर वन रहती है स्पोर्ट्स में। अरे इनका इंस्टाग्राम का पेज भेंचोत, हम लोग गॉड लाइक ज्वाइन किए इंस्टाग्राम पे, जो एसएटीएल स्पोर्ट्स का पेज है, इससे तो ज्यादा हमारे बढ़ गए, दो दो टीम्स लेके बैठे। हाँ क्या क्या मतलब क्या, इनका तो ऐसे मेरे को तो समझ में नहीं आता, इनके यूट्यूब चैनल पे भी गेम कम और व्लॉग ही ज्यादा, स्पोर्ट्स प्लेयर का कंटेंट क्रिएटर है भाई। हाँ
भाई कंटेंट क्रिएटर उनका काम कर रहे हैं, तुम लोग गेम खेलो ना, तुम लोग दुनिया को दिखाते हो, हम लोग ई स्पोर्ट्स प्लेयर है, हमको दुनिया का सब कुछ पता है, हमको वर्ल्ड ई स्पोर्ट का सब कुछ पता है, हम लोग ये प्लेयर को फॉलो करते हैं, ये प्लेयर हमको फॉलो करता है। अरे फॉलो करता है वो, फॉलो वो रिस्पेक्ट जो तेरे को दे रहा है, वो रिस्पेक्ट के काबिल तो बन, काबिल तो बन उसके। अरे भाई कॉमन सेंस की चीज है, उधर जाके कूल बनना है, मैं स्ट्रीम में जाके कूल बनूंगा, आओ। अरे भाई भाई बस एक बार क्या है ना, मैं मेरा कैसे देखो, मेरा आई डोंट नो मेरा आवाज का प्रॉब्लम है या फिर मैं ज्यादा कन्विंसिंग नहीं हूँ, जो भी आवाज के वजह से ज्यादा से ज्यादा तो हेट मेरे को मिलता है, ठीक है। लेकिन क्या है, अपन दिल से एकदम सच मन से काम करते हैं, ठीक है। और बजना ये जो बोलते थे ना थोड़ी देर पहले, मैं चैट में आने से पहले इसका आउट ऑफिस का आउट ऑफ, अरे इधर देख कैसे बंदे हंस रहे, ये है औकात, ठीक है, ये है तुम्हारी औकात, औकात है ना, औकात मेहनत से बनाई जाती है, बोल बच्चन डाल के नहीं। साला बोल बच्चन जिधर देखो उधर देखो, सोशल मीडिया यूट्यूब खोला बाकी चूत, साला आजकल नॉट इंटरेस्टेड ब्लॉग भी करना पड़ रहा है चैनल, भाई कुछ भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी मतलब ये ऐसा होता है। अरे तुमको पता भी है क्या हो रहा है, उन लोग उधर हमारे क्या इश्यूज हुए हम लोगों ने बताया नहीं अभी तक, ठीक है, और बताएंगे भी नहीं बेंचुत, क्योंकि ये भेड़ के लोड़े फिर से कल जाके बोलेंगे कि भाई इन लोगों ने ये क्या क्या बोलते उसको एक्सक्यूज दिया। अरे आज तक भेंचुत 3 साल से डोमिनेट कर रहे, 3 साल से, और आने वाले टाइम में ना भेंचुत डोमिनेट करते रहेंगे, करते रहेंगे। अरे भेंचुत और भी ऑर्गेनाइजेशन है ना इंडिया में, TSM और अंगुटन जो भेंचुत 107C, ये कितने ऑर्गेनाइजेशन, VLT कितना फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है उनकी ऑर्गेनाइजेशन के प्लेयर्स के लिए, ई स्पोर्ट्स के लिए वो कितना पैसा डाल रहे हैं, तुम लोगों को वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखती है, इतना प्यार से काम कर रहे हैं भाई, उनके साथ मेरी बातें, उनकी ओनर के साथ मेरी बातें होती है, और क्या चल रहा है भाई, ये लोग बस इनको ऑडियंस कैसा है, उन लोगों ने फॉलो करके रखा है, भाई इसके नंबर है, ये बहुत अच्छा कोई भी क्रिएटर रहेगा, इसको फॉलो करते हैं, सच बता रहा है सबको लोगों को। अरे तुमको पता है क्या क्या बोल रहा है वो बंदा, पता है क्या बोल रहा है वो बंदा, तुमको पता है क्या कौन से बंदे कौन से मेंटल स्टेट से गुजर रहे, पता है तुम लोगों को कुछ भी पता है तुम लोग आके चैट में झटक इंस्टाग्राम, अरे तुम लोगों को पता ही नहीं है, तुम लोगों को कैसा है ना भाई, मैं वही बोल रहा हूँ, हम लोग नहीं, मैं तो कुछ, मेरे को बाकी लोगों का मेरे टीम के पता नहीं है, मैं कन्विंसिंग नहीं हूँ, ठीक है, मेरे को ऐसा तुम लोगों को मेरे ऐसा आके भाई मैं तुम लोगों को प्यार से बताऊंगा, ये मेरे को नहीं जमता, ठीक है, मैं इसलिए ना मैं मेरे काम से काम रखता हूं, सिर्फ काम करता हूं। अभी तुम लोगों को ऑनेस्टली बताएगा, तुम लोगों को लगता है कि हम लोग ने गिल को अप्रोच किया, हम लोग ने वीरू को अप्रोच किया, गिल का सामने से मेरे को मैसेज आया था, उससे बात हुई हमारी, ठीक है, मैंने उसको ये तक के बोला एक और टूर्नामेंट खेल के, ठीक है, उसमें टॉप 10 आए तो कंटिन्यू करना, उसने नेक्स्ट दिन बोला मेरा सैलरी 2,50,000 रुपए कर दिए, मेरे ब्रांड डील से 50% काटते, अरे भाई लेकिन कुछ भी बोलो, आज जो स्ट्रीम देख के मजा आ गया, भाई शेयर जाग गया भाई, मैं बोट टाइप तब चुप था, लोगों को लगा कि भेजू ये लोग बोलेंगे नहीं, अरे ये देख बेटा पापा ये वीरू 83,000 सब्सक्राइबर लेके बेटा 90,000 वॉचिंग अभी भी आ रही है, ठीक है, करियर डेड हो गया था तेरा, अभी 2 दिन पहले 4 लोग एक साथ स्ट्रीम कर रहे थे, हमारा जॉनी अकेला स्ट्रीम कर रहा था, ठीक है, 70-80,000 वॉचिंग ला रहा था, सबकी मिला के भी उतनी नहीं आ रही थी। ई-स्पोर्ट्स बेटा ई-स्पोर्ट्स बहुत बार बोला है भाई, एक्चुअली मैं 2019 का वापस आएगा ना, तो अच्छा भाई, मैं सुनो, नहीं नहीं मैं बोलता हूं, इसमें इतनी ताकत है ना, यहाँ तक लाया है, सुन ना, ORB से यहाँ तक आए, गाइस आप सोचो अभी यहाँ तक आए ना, तो और 3 साल के बाद किधर रहेंगे, उसने बोला ना कि 2019 का वापिस आएगा, एक्चुअली आना चाहिए, पता है 2019 वाला थोड़ा बेटर खेलता था गाइस, कुछ तो होएगा, तो और के लिए भी अच्छे, अभी लायबिलिटी है पूरी, ब्लॉक करता बोलते मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, अरे इसकी थोड़ी दिन पहले 4-5 महीने पहले गाड़ मारी थी ना, जब जॉनी को कुछ तो भी बोला, क्या बोला था जॉनी को, ये कुछ तो बोला था ना स्ट्रीम स्नाइप करके, कुछ तो बोला था, गाली भी ली थी वो टाइम पे, जब इसकी गांड मारी थी ना, तो ऑब्वियसली ब्लॉक ही करेगा ना, कॉमन सेंस की चीज है, फटी पड़ी थी वो टाइम पे, लोगों ने जो गांड मारी थी अपने गॉडल के फैंस ने, जॉनी के फैंस ने, घमंड करने की चीज भी है ना, जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, एक MVP रिकॉर्ड है भाई, मेरे को आज तक अनऑफिशियल टूर्नामेंट में भी MVP वो बना रहेगा ना, बाकी चुद में मान जाएगा, बस वो एक अनऑफिशियल टूर्नामेंट बताएगा, वो PL का PEC कौन सा 11 किल लिए थे भेंचोत, वही जिंदगी भर गिरे थे उधर, मैं इंटरनेशनल में गया था उधर 11 किल मारे थे, देखो क्या भेंचोत, तेरे को पता थाली में वैसा वो पूजा करेगा तेरी, हां भाई एक हैशटैग वन अनऑफिशियल में भी आ रहेगा ना गाइस, लिटरली, अरे इतनी गांड चलती है गाइस, सिंपल चीज बोलता हूं, देखो ये लोग देखो, पहले थे OG, ये लोग ये करते थे, अच्छा सारी चीजें अच्छी करते थे, हम वो फॉलो करते थे, बहुत सारी चीजें सीखे भी हम लोग इससे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग खुद मानते हैं सारी चीजें, बट जब इनको पता चला कि भाई ये लोग आगे जा रहे, इनकी इतनी जल्दी चालू हो गई भाई, इन लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें करना स्टार्ट कर दिया, जॉनी भी कभी इसके साथ खेलता था
तो वो टाइम पे जॉनी को भी ये इतनी सारी चीजें बोल देता था भाई, मतलब नहीं क्या, मतलब नीचा दिखाने की कोशिश, इसकी पहले से ही आदत है, जो भी उसके साथ खेलेगा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। एक बार कमल जीत के स्ट्रीम पे लोग वैलोरेंट खेल रहे थे, स्नैच को भी बहुत सारी चीजें बोल दी थी इसने, बहुत सारे लोगों को यार एक बंदे के लिए एक बंदे के लिए। अभी मेरे को ये चीज बता, हाँ ये क्या बोला, फैमिली फैमिली, ठीक है, तो जब #2 जैसी वर्ल्ड की टीम वो तोड़ दिया तब उसको फैमिली नहीं दिखा, तब उसको गिल नहीं दिखा, वीरू नहीं दिखा, तब किधर फैमिली थी, पूछो जरा तुम्हारे फॉलोवर को कि तभी फैमिली किधर थी उसकी, किधर थी वो टाइम पे फैमिली किधर थी भाई, ये वीरू को निकाल दिया था टीम से। अभी ये बोल रहे कि गिल और वीरू गए, अरे वीरू तो गिल के लिए गया था, तुम्हारे लिए तो गया भी नहीं था, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज गिल बोला कि क्या, गिल को निकालने की बात चल रही थी ना टीम से, गिल जैसे प्लेयर को क्यों, क्योंकि भाई ये लोग गिल को पिक नहीं देने देंगे, उसका नेचुरल गेम खेलने नहीं देंगे, ये सारी चीजें करेंगे और बाद में बोलेंगे कि गिल को निकाल देते हैं ब्रो बीजीएस के बाद, अपने एक नया प्लेयर लेके आते हैं ब्रो बीजीएस के बाद, और एक नया शूटर पाल के रखा है इन लोगों ने, वो तो अलग ही बचते रहते हैं, वो शूटर वो अलग ही बचता है, उसको तो अलग ही, उसका तो अलग ही सिर रहता है। कोई कितना बेशरम हो सकता है, बिनचोद गांड मार के पूरी मां चोद के रख, हां ना सोशल मीडिया पे, उसके बाद भी उसको उधर मुझे बात बताओ, चलो 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 एक चीज बोलता हूं, चलो चलो आप देख रहे हो ना, एक मैच्योर ऑडियंस की तरह सोचो, ठीक है, आज तक 3 साल में हम लोग एक साथ खेल रहे, मैं नियो जॉनी क्लचगॉड झिगॉड हम लोग साथ में इतने टाइम से साथ में, आज तक कभी देखा है क्या हमारे बंदे सोशल मीडिया पे टीममेट की गांड मारते हैं कि भाई किसको गाली गलौज करेगा, इसको मैं नीचा दिखाऊंगा, कभी देखा, क्योंकि उतना डिसिप्लिन है भाई हम में, उतना डिसिप्लिन है, ठीक है। और ये लोग पैसे की बात करते ना, पैसा इधर बहुत ये वो, मैं अभी लिख के देता हूँ ये स्टैम्प पेपर के, भेंचोद अभी के टाइम में गॉड लाइक ऑर्गेनाइजेशन, ई स्पोर्ट्स टीम, इंडिया छोड़ो मैं बोलता हूँ बहुत अलग लेवल पे पैसे कमाते हैं। हम लोगों ने बोला ऐसे भाई जाके कि भाई हम लोग बहुत पैसा कमाते हैं, शो ऑफ करते भाई, सिंपल चीज है, दिख रहा है तुमको, आपने इंडिया में सीख क्या है, इमोशंस का खेल बना के रखा है, जो भाई दिखाएंगे भाई ये लो वो लो ऐसा पैसा वैसा पैसा, तो फिर क्यों छोड़ा इन लोगों को, पैसा इतना ही है तो भाई क्यों छोड़ा तुम लोगों को, हाँ ना पैसा दिखाते हैं ना भाई, पैसा है बहुत, पैसा है ना उनके पास, क्यों नहीं दे रहे, और बाद में बोलते फैसिलिटी फैमिली, अरे मैं अभी भाई बोलना बोलूंगा ना मैं भाई, फैसिलिटी क्यों बना रहे, क्यों बना रहे वो क्वारंटाइन दिन रात एक करके, उसका भाई डेली डेली मुंबई जाता है पुणे से, क्यों जाता है उधर, वो क्यों जाता है, किसके लिए बना रहा है, खुद के लिए बना रहा है क्या वो फैसिलिटी, खुद का घर बना सकता था, गाड़ियां ले सकता था वो बंदा, कुछ भी कर सकता था, क्यों कर रहा है, इंडिया की हाईएस्ट पेड स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों दे रहा है वो, कितना इतना पैसा दे, क्यों दे रहा है, ब्रांड से इतने पैसे कमा के दे रहा है वो बंदों को, इतने ज्यादा पैसे कमाए आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। हम लोग चुप बैठे चुप बैठे चुप बैठे, ये लोगों को सिर्फ दिखाना है और दिखा के लोगों को लेंगे, और वो बंदे फिर में उनमें से मैं बोलता हूं ना, उनके जितने भी बंदे ना, मेरे को 50% लोग कॉल करते हैं, उनके इधर क्या चल रहा है मेरे को भी पता, ठीक है, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, जिस दिन बोलने पे आ जाऊंगा ना, ये बहुत आज बेफालतू का इन लोगों ने चूत्यापा किया है, इतना अच्छा वीडियो गया, सारी चीजों इन लोगों ने अप्रिशिएट किया, सारी चीजें की, आके फालतू का आरआर चालू कर दिया, बहन चोत फालतू का रंडे होना, क्यों क्या जरूरत थी, फैसिलिटी की बात करते, अरे भाई दे रहे ना फैसिलिटी, क्यों दे रहे, प्लेयर्स को दे रहे स्पोर्ट्स के, क्यों जल्दी तुम्हारी जल रही है ना,